नीट पेपर लीक मामले की जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, उसकी आंच एक के बाद एक कई राज्यों को अपनी जद में ले रही है। गुजरात बिहार के बाद अब इसमें यूपी का नाम भी जुड़ गया है। बिहार में गिरफ्तार एक आरोपी ने एनडीए के सहयोगी दल के एक विधायक का नाम लिया और वो है सुभासपा विधायक बेदी राम। जैसे ही ओपी राजभर की पार्टी का नाम पेपर लीक में आया, वैसे ही यूपी की सियासत में उबाल आते देर न लगी। बेदी राम का जैसे ही नाम आया, वैसे ही ओपी राजभर को पहले सीएम योगी ने तलब किया और उसके बाद दिल्ली से बुलावा आ गया। सीएम योगी से मिलते हुए राजभर और उनके बेटे की तस्वीर सीएम ऑफिस की तरफ से पोस्ट की गई। मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया गया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने बेदी राम का नाम पेपर लीक में आने पर नाराजगी जताई है। वायरल हो रहे वीडियो पर भी योगी ने राजभर से सफाई मांगी है। वायरल हो रहे वीडियो में बेदी राम पेपर लीक और नौकरी देने का दावा करते दिख रहे हैं। एक एक परीक्षा में 40-40 लोगों की भर्ती कराता हूं, कहते सुने गए। वहीं नीट और बेदी राम मामले के बीच ओपी राजभर दिल्ली आए, बेटे अरविंद राजभर संग अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस मामले पर जब मीडिया ने ओपी राजभर से बात की तो उन्होंने जवाब देने से इनकार करते हुए बेदी राम के ही पाले में गेंद फेंक दी। आप उनसे क्यों नहीं पूछते, जाकर उनसे पूछो कि हमसे पूछ रहे हैं। वायरल वीडियो पर विपक्ष ने निशाना साधा, एक्शन न होने पर सवाल उठाए और जब इस पर ओपी राजभर से सवाल किया गया तो वो रटा रटाया जवाब देते दिखाई दिए। विपक्ष चलिए सवाल दो, उत्तर दिया जाएगा ना। चलिए पहले आप आपको बात आपके विधायक हैं सर, आपको बोलना, आप कुछ कहेंगे और बाद में मिलिए तो बाद में। उत्तर प्रदेश से सुभासपा के विधायक बेदी राम पर पहली बार पेपर लीक आरोप नहीं लगा है, यह आरोप पिछले 24 साल से लगता रहा है। बेदी राम ने अपने चुनावी हलफनामे में भोपाल समेत कई शहरों में कुल 9 केस दर्ज होने का जिक्र किया है, जिसमें से 8 मुकदमे पेपर लीक से जुड़े हैं। बेदी राम पर गैंगस्टर एक्ट में भी एक केस दर्ज है, सभी में चार्जशीट दाखिल है लेकिन किसी में भी सजा नहीं मिली है। पेपर लीक में बेदी राम का पहली बार नाम साल 2000 में सामने आया। 2009 में उनकी गिरफ्तारी हुई, फिर छत्तीसगढ़ सीपीएमटी परीक्षा 2012 के मामले में वो जेल भी गए। इस परीक्षा का पेपर लीक करवाने के मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया और तिहाड़ भेज दिया। बेदी राम गाजीपुर की जखनिया सीट से विधायक है, मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले हैं और सुभासपा प्रमुख और यूपी के मंत्री ओपी राजभर के करीबी है। जब रिपब्लिक भारत ने बेदी राम से बात करने की कोशिश की तो न सिर्फ उन्होंने वायरल हो रहे वीडियो को फर्जी बताया बल्कि आरोपों से भी किनारा करते नजर आए। पेपर लीक में कहीं मामला आ जाए तो क्या कर दे? मैं रिजाइन कर दूंगा पूरे इंडिया में। नहीं, यही बात जो आप कह रहे हो, यही बात विधायक जी आप कह रहे हो ना, इसको कैमरा क्यों नहीं बोलते हो? अगर सच्चाई है आपकी बात, बोल देंगे खत्म हो जाएगा बात। जिस नीट पेपर लीक विवाद ने पूरे देश में कोहराम मचाया हुआ है, उसमें सुभासपा के विधायक का नाम जुड़ने पर विपक्ष हमलावर है तो बीजेपी एक्शन मोड में। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए इसी बीच आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, लद्दाख हादसे को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान भी सामने आया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुख जताया है, 5 जवान जो है उनका निधन हो गया। आपको लगातार बता रहे 5 जवानों के निधन का दुख जताते हुए राजनाथ सिंह नजर आ रहे। टैंक्स नदी पार करते वक्त हादसा हुआ था, जवानों की वीरगति को देश नहीं भूलेगा, पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनाएं। आपको बता दें कि दौलतबाग ओल्डी इलाके में टैंकों के साथ नदी पार करते हुए अचानक फ्लैश फ्लड आ गया था, जिसमें 5 जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे। लद्दाख में नदी फंसा सेना का टैंक और 5 जवान जो बहे। इसी बीच आपको लगातार बता रहे हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुख जताया है और इस दुख जताते हुए उन्होंने फिलहाल यह कहा कि जवानों की वीर गति उनको भूला नहीं जा सकता।